चलिए आज आप लोगों को एक जगह में लेके जाते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि आपको भी बहुत ही पसंद आने वाले हैं, तो चलिए हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज मी डी जिंकीनाथ और आप देख रहे हैं द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है उसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका ज़रूर दीजिए, तथास्तु। वेलकम एवरीवन, मैं अभी वॉर सिमेट्री के अंदर पहुंच चुका हूं, तो मैं आपको दिखाता हूं तो यहां पे क्या क्या है। आप लोग मेरे पीछे अब ये सब देख सकते हैं, या ये फिर जो वॉर में शहीद हो गए थे उन्हीं के ऊपर ये बनाए गए हैं, सिमेट्री सब है। मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूं, चलिए। उनके जो पार्थिव शरीर है अभी भी यहाँ पे मौजूद है। अभी कुछ साल पहले यहाँ पे आके चाइना से चाइना का गवर्नमेंट आके यहाँ पे वहाँ से हड्डी जो पाया गया था वो लेके चला गया और फॉरेंसिक लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं वो लोग। टेस्ट करके मालूम चलता है कि ये कौन सा सिपाही की हड्डी है, तो वो अवशेष को लेके वो उन लोग ढूंढता है, उनके घर पहुँचाता है। और यहाँ पे हज़ारों लाखों शायद यहाँ पे शहीद होंगे, न जाने कहाँ कौन सी देश के होंगे, कौन सी कंट्री के होंगे, वो सब कुछ तो हमको मालूम नहीं है, तो कोई किसी को भी मालूम नहीं है। मगर फिर भी यहाँ पे जो युद्ध हो चुका था मैक्सिमम यहाँ पे 1944 जो 27 अप्रैल, और इंडिया का भी है और बहुत सारे हैं, 16 फरवरी 1944, 39 टू 1945, मैक्सिमम 45 में ही मारे गए थे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही पवित्र स्थल है, आप लोग ज़रूर आइएगा। और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक्चुअली नवग्रह शमशान घाट है, ये भी पवित्र स्थल है। तो आप लोग कभी भी आइए इस, अगर गुवाहाटी में आएंगे तो ये जगह आप विज़िट करना मत भूलिएगा। तो आज एक छोटा सा मैं एक सिर्फ वीडियो बनाया हूँ, आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा। जितना जानकारी आपको मिल सकती है अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में और अच्छी तरह से डिटेल्स आपको मालूम चलेगा। मैं सिर्फ आपको लोकेशन दिखाया हूँ और यहाँ पे क्या क्या है वही सब दिखा रहा हूँ, तो आप लोग काइंडली गूगल में सर्च करके देखिएगा कितना कैसा कैसा ये
कब से यहाँ पे स्थित हो गया, कैसे हुआ ये सब। और गुवाहाटी में तो यही है एक जगह, और बाकी आप नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारे जगह में देखने को मिलेगा। अगर शायद आप लोग सिक्किम में गए, दार्जिलिंग में गए, तो दार्जिलिंग में भी आपको मिलेगा ऐसा वॉर सिमेट्री, और फिर आपका शिलोंग में भी मिलेगा, दिमापुर साइड में भी जाने से मिलेगा, कोहिमा में मिलेगा, तो ऐसे बहुत सारे जगह में है। तो आप लोग जितना हो सके ये सब जगह जानना बहुत ज़रूरी है, और जानना ज़रूरत पड़ता है एक्चुअली, और किताबों में भी पढ़े होंगे आप लोग। तो वीडियो को अगर एंजॉय किया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब तो भूलिएगा मत। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय आई होम, बाय बाय।